welcome you all in the Bagadia Bal Vidya Niketan online classes. Today we have to discuss about forms in MS Access. A database object used to create a user interface and to input, delete or edit the data. The form क्या है? Database object है, जैसे अपन ने query बनाया वैसे form क्या अपना एक database object जो किसके लिए यूज होता है, डेटा इंसर्ट करने के लिए, डेटा डिलीट करने के लिए, डेटा एडिट करने के लिए. टू क्रिएटिंग ए फॉर्म क्लिक ऑन द क्रिएट टैब एंड क्लिक ऑन फॉर्म कमांड इन द फॉर्म ग्रुप. अगर अपन को फॉर्म बनाना है तो सबसे पहले अपन क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे. तो यहाँ पे अपन देखते हैं अपना ये MS Access ओपन है. यहाँ पर क्रिएट कमांड जो टैब है उस पर क्लिक करते हैं. यहाँ पर अपन को मिलेगा फॉर्म. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है एंड फॉर्म पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, नेक्स्ट आपका आता है इट क्रिएट ए फॉर्म विथ ऑल द फील्ड इन द लेआउट व्यू. ये यहाँ पर सारे के सारे फील्ड बनाएगा लेआउट व्यू के अंदर. नेक्स्ट आता है द थ्री न्यू टैब डिजाइन अरेंज और फॉर्मेट अपीयर ऑन द रिबन अंडर द फॉर्म लेआउट टूल कॉन्सेप्चुअल बॉक्स. इट मीन्स जैसे आप फॉर्म बनाते हो तो आपके सामने डिजाइन, अरेंज और फॉर्मेट तीन टाइप की टैब ओपन होती है. इसमें आप फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं, उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आपका आता है टू इंटर और एडिट द डेटा इन फॉर्म क्लिक ऑन द होम टैब एंड लोकेट द व्यू ग्रुप. यहाँ पे डेटा को एडिट करने के लिए अपन क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और वहां पर अपन क्लिक करेंगे कहाँ पर, व्यू ग्रुप के अंदर. व्यू ग्रुप के अंदर आपको फॉर्म व्यू सेलेक्ट करना है व्यू कमांड से. तो अपन जाते हैं होम टैब के अंदर. यहाँ पर आपका ये व्यू ग्रुप है, इसमें आपको व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपको करना है फॉर्म व्यू. जैसे आप फॉर्म व्यू करते हो यहाँ पर आपका फॉर्म है ये ओपन हो जाता है. जो डेटा आपने टेबल में दे रखा है वो डेटा यहाँ पे शो होगा. इस लाइक मैं यहाँ पे टैब प्रेस करके नेक्स्ट पे जा रहा हूँ. नेक्स्ट आपका डेटा है वो टू महेश है. सपोज दैट मेरे को यहाँ पे करना है महेश शर्मा, देन मैंने ये कर दिया और देन अपन इसको सेव कर देते हैं. सेव करते हैं, मैंने यहाँ पे F1 नाम से सेव कर दिया इसको. अब अपन टेबल में जाते हैं, टेबल में जाते हैं, इसको ओपन करते हैं. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, महेश शर्मा हो गया ऑटोमेटिकली. इट मीन्स आप डेटा को क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, इवन आप डिलीट भी कर सकते हो और इंसर्ट भी कर सकते हो. सपोज दैट मेरे को इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ. नेक्स्ट अपन जाते हैं, ये अपना डेटा है, इस पर अपन आते हैं नेक्स्ट पे. तो यहाँ पे आईडी अपन को इंसर्ट करनी नहीं है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ. कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, नेक्स्ट आपका फोटो अटैचमेंट आप कर सकते हो यहाँ से, वो भी आपको फोटो चाहिए वो यहाँ पर आप ले सकते हो. ओके, नेक्स्ट आपका सैलरी है, तो सैलरी भी आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हो. सपोज दैट मैंने यहाँ पे कर दिया 10,000. ओके, तो ये आपने डेटा इंसर्ट कर दिया. अभी अपन टेबल में इस डेटा को देखेंगे कि ये इंसर्ट हो चुका है क्या. तो आप जैसे ओके करते हो, यहाँ पे अपन करते हैं रिफ्रेश. रिफ्रेश करते हैं अपन F5 से. जैसे अपन रिफ्रेश करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो आपको रो शो हो रही है वो अपन ने लास्ट में डेटा इंसर्ट किया है. ओके, तो ये था अपना कैसे अपन फॉर्म बनाते हैं. देन सेव द डेटा बाई क्लिकिंग ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डेटा को सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे. जो आपका सेव ऑप्शन आता है, ये अपना डेटा सेव हो चुका है. तो अपना फॉर्म है बन चुका है. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग ए फॉर्म. अगर अपन को फॉर्म को फॉर्मेट करना है तो अपन क्या कैसे करेंगे, जिसमें अपन को कुछ एक ऑप्शन बता रखे हैं, जिसमें फर्स्ट आता है क्लिक ऑन द लोगो कमांड इन द हेडर फूटर ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब. आप यहाँ पे क्या करोगे, लोगो कमांड पे क्लिक करोगे. कहाँ पे मिलेगा, हेडर फूटर ग्रुप में मिलेगा और डिजाइन टैब में मिलेगा. तो अपन अपने फॉर्म को सबसे पहले उसी व्यू में रखते हैं और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक मिनट में फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ. लेआउट व्यू के अंदर अपना फॉर्म है ये ओपन हो चुका है. एक मिनट, इसका व्यू ओपन, डेटा सीट, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेआउट, ये अपना फॉर्म है ये ओपन हो चुका है. अपन पीछे जाते हैं अपने डेटा के ऊपर.
यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपना लोगो कमांड आएगा डिजाइन में, तो डिजाइन टैब पे अपन ने क्लिक कर रखा है, यहाँ पे आपका लोगो कमांड। लोगो कमांड पे जैसे क्लिक करते हो तो आप यहाँ से कोई भी आपका फोटो है, कोई लोगो है जो आप देना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो, और देन आप जैसे ओके करोगे तो ये यहाँ पे शो होगा। आप देख पा रहे हैं राइट साइड के अंदर आपके अपर कॉर्नर के अंदर आपका लोगो शो हो रहा है। इसके अलावा अपन अगर यहाँ पे टाइटल इंसर्ट करना चाहते हैं तो टाइटल पे क्लिक करते हो, यहाँ पे मैंने कर दिया एम्प्लॉई, एम्प्लॉई फॉर्म, ओके सॉरी, ये अपन ने किया है तो अपन ने टाइटल इंसर्ट कर दिया है। इसको अपन टाइटल को सेट भी कर सकते हैं अपन अपने अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं ये जो फोटो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है लोगों की साइज से, तो ये अपन को शो हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है डेट एंड टाइम, तो जैसा मैंने यहाँ पे दे रखा है इंसर्ट द पिक्चर डायलॉग बॉक्स, यहाँ से आपका पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सेलेक्ट द डिजायर्ड इमेज एंड क्लिक ऑन ओके, तो यहाँ पे आप डिजायर्ड इमेज को सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे जैसा मैंने किया है। इसके अलावा क्लिक ऑन द टाइटल कमांड इन द हेडर फुटर ग्रुप, यहाँ पे अगेन अपन टाइटल कमांड पे अपन ने क्लिक किया एंड टाइप द टाइटल फॉर द फॉर्म, अपन ने टाइटल टाइप किया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, टू इंसर्ट डेट एंड टाइम क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम कमांड इन द हेडर फुटर ग्रुप, आप डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करते हो डेट एंड टाइम कमांड के ऊपर, देन द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर, यहाँ पे डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ, डेट एंड टाइम पे क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है चूज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट ऑफ डेट एंड टाइम, आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट सेट करोगे एंड क्लिक ऑन ओके, ओके बटन पे क्लिक करोगे, द डेट एंड टाइम प्लेस होल्डर अपीयर इन द हेडर सेक्शन ऑफ द फॉर्म। जैसे आप यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए उस पर क्लिक किया अपन ने और देन ओके करोगे, तो ये आपके हेडर सेक्शन के अंदर आपका डेट एंड टाइम है वो शो हो जाएगा। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, अगेन इसको फॉर्म व्यू के व्यू पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख पा रहे हो अपने जो डेटा है, जैसे ये अपना डेटा है, इसमें आपके हर एक फॉर्म के अंदर ये जो आपका लोगो है, इसके अलावा आपका टाइटल है, इसके अलावा डेट एंड टाइम है वो आपका शो हो रहा है। ओके, तो ये अपना हाउ टू फॉर्मेट ए फॉर्म।